नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल, और आज हमारे साथ पैनल पर व्यापारी वर्ग है जो अलग अलग ट्रेड यूनियनों से भी जुड़े हुए हैं, और उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि लॉकडाउन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा चरण लॉकडाउन का बढ़ चुका है, इसके बाद भी अभी उम्मीद नहीं है कि शायद अभी लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन तमाम व्यापारियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनको लेकर के आज हम सब व्यापारी वर्ग है, दुकानदार भाई है, कोई अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उन सब से हम चर्चा करेंगे कि उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। कल हमने एक एपिसोड शुरू किया था तो तमाम लोगों ने देखा था, आज फिर हमारे साथ अलग अलग जो है ट्रेड के लोग हैं, और लगातार हम इस तरीके से करते रहेंगे। इन्हीं लोगों से भी हम दोबारा चर्चा करेंगे क्योंकि जब तक लॉकडाउन न जा ही जाए, तमाम समस्याएं सुननी है, शासन प्रशासन तक बात पहुंच सके उसको लेकर के। तो सबसे पहले हमारे साथ है, जो मैं परिचय कराऊं या तमाम जो लोग हैं वो अपना परिचय करा दें, क्योंकि जैसे ही मैं नाम बोलूंगा वो लोग बता देंगे। सुरेश तनी जी हैं हमारे साथ नया बाजार से। सुरेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ जी, सुरेश जी, क्या कहेंगे जो लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, बार बार कोई परेशानी, कोई क्या कुछ होना चाहिए बताओ, यानी कि कैसे चैन टूटे कोरोना की। देखिए मोहनलाल जी, मैं सबसे पहले आपको और आपके जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ बैठे हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए सबसे पहले ये जो लॉकडाउन की शुरुआत हमारे व्यापार मंडल ने की है, ठीक है, सरकार तक तो पता भी नहीं बात कब पहुंची है। सबसे पहले हमारे व्यापार मंडल ने मीटिंग बुला के और उससे पहले सबसे ये जो है लॉकडाउन जो शुरुआत हुई है सतीश यादव के शोरूम से शुरुआत हुई है और उन्होंने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। उसके बाद हमने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग बुलाने के बाद वो सकारात्मक मीटिंग रही जिससे हमने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था। उसकी सूचना हम शाम को 7 बजे हम चार बाजार के चार प्रतिनिधि जिसमें बबलू जी, मैं और हमारे साथ अग्गी जी, हम डी साहब के पास उनकी सूचना देने गए थे कि हमने लॉकडाउन सर हमने लगा दिया है, अगर कोई व्यापारी 0.1% नहीं मानता तो आप उनको थोड़ा सा आप उनको समझा देना। अभी ये जो लॉकडाउन लगा है इसमें कोरोना की चैन तो तोड़नी ही तोड़नी है और उससे फर्क भी पड़ा है, और आर्थिक जो हमारी आर्थिक चैन जो है उसको जोड़ना है, दोनों ही काम हमें करना है। और उसके लिए सरकार को सबसे आगे होके पहल करनी चाहिए कि जो मंझले व्यापारी हैं, जो अपनी दुकान पे जिनके दुकान पर वर्कर काम करते हैं और इसमें बहुत से लोगों की चैन जुड़ी हुई है जो व्यापारी से ही चलती है और उनका व्यापार जगत का बंद रहने के कारण उन सभी उनके पीछे जो उनके साथ जो दाल रोटी चल रही है वो सभी बेचारे उनका चूल्हा ठंडा हो रहा है। लेकिन मंझला व्यापारी क्या करे, जितना उससे हो रहा है वो सरकार की मदद भी कर रहा है, सामाजिक संगठन भी लगे हुए हैं, हम भी मदद कर रहे हैं, आप भी आपका चैनल भी दिन रात एक होकर काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, नगर परिषद काम कर रही है, सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई घाटे में है तो वो व्यापारी है, व्यापारी व्यापारी है सबसे घाटे में, सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का हो रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है और आर्थिक चैन को हमें जोड़ना है, यानी कि अर्थव्यवस्था से अपने आप को मजबूत भी करना है, क्योंकि तमाम जो इस बार जो चोट पड़ी है, पहले भी जो चोट पड़ी थी मध्यम वर्ग परिवारों में पड़ी थी, जो सबसे गरीब तबका है उसको सरकार राशन दे देती है, जो अमीर तबका है उनको सरकार लोन माफ कर देती है, लेकिन सबसे बड़ा जो मध्यम वर्ग है वो आखिर कहाँ जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा। सुरेश जी, नीरज जी, आप तो हाँ जी, सरकार के प्रधान हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या होना चाहिए? देखिए, किसी के पीछे है ना कोई आवाज ना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आप अपने पीछे आवाज बंद कराएं। जी नीरज सबसे सबसे पहले तो मैं मोहनलाल जी यहाँ डिबेट में उपस्थित अपने सभी व्यापारी भाइयों से और देखने वाले दर्शकों को नमस्कार करूंगा। और मेरे पहले वाक्य ये होंगे कि जान है तो जान है, जैसा कि मेरे भाई सुरेश कह चुके हैं पहले कि जब हमने देखा व्यापार मंडल के प्रबुद्ध रेवाड़ी के मौजूद लोगों ने, तो जैसा कि भाई सुरेश ने बताया हमारे नेताजी सतीश यादव जी ने अपना लॉकडाउन किया, उसके साथ साथ सबसे पहले हमारी ज्वेलर एसोसिएशन रेवाड़ी ने, भाई बबलू जैन ने ये आवाज उठाई कि अगर जान ही नहीं रहेगी तो पैसे का भी क्या करें। और जैसा कि मेरा ऐसा मानना है जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद हमारे शहर में कोरोना मामलों में कमी आई है, आपने देखा होगा। इसका इलाज अगर है तो ठीक है, वैक्सीनाइज होने में भी टाइम लगेगा अभी, बाकी मेडिसिन भी ठीक है, प्रोडक्शन उनका बढ़ गया है, परंतु सबसे मेन लॉकडाउन में हम घर में हैं तो सेफ हैं, दुकान पे बैठेंगे, क्या आप लोगों से मिलोगे नहीं, बाजार में चाय नहीं पियोगे और पैसे नहीं गिनोगे, इसके अलावा आपका कस्टमर भी आएगा,
उससे भी आपको बात करनी होगी। सबसे मेरा मेन मुद्दा ये, ठीक है मैं मानता हूँ आज महिला व्यापारी भी दुखी है, आज मेरा छोटा व्यापारी भी दुखी है, मेरा बड़ा व्यापारी भी दुखी, सब दुखी हैं, परंतु आप ये मान के चलिए आज रेमडेसिविर कंजेक्शन आप तो मुद्दे उठाते हैं, आज उसकी कॉस्ट क्या है, अस्पतालों में बेड की कॉस्ट क्या है, अगर कोई भाई या उसका परिवार इस चपेटे में आ गया, ये तो गुरु महाराज मेहर करें कि सभी भाइयों की प्राण रक्षा हो। आप ये देखेंगे जब हमारे बाजार खुलेंगे तो मेरे ख्याल में 15 चेहरे तो रेवाड़ी शहर के मेरे ऐसे हैं जिनको हमने खो दिया, हमारे संजय मलिक जी मेहता वाले, हमारे रघुनाथ आनंद जी दुर्गा मंदिर के पुजारी, और ऐसे ही 3-4 कैजुअलिटी हमारे स्वर्णकार बिरादरी में भी हुई। तो मेरा ऐसा मत मत ये है कि सबसे पहली बात तो जान है तो जहान है, एक ऐसी व्यवस्था जैसे सुरेश भाई ने बताया कि एसेंशियल गुड्स जैसे खुले हैं, 2 बजे तक पंसारी भाइयों का है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तो सभी भाइयों के दिमाग में रहता है उनकी दुकानों की भी चेकिंग हो जाए, और देखो किसी भाई ने कोई पहले का भी सामान देना है या उसकी भी अपनी मजबूरी है, तो मेरा ऐसा मानना है विभिन्न ट्रेड की एक लिस्ट बना के और एक हफ्ते में 3-3 दिन सभी भाइयों को दिए जाएं, ऐसा बाजार में भीड़ ना बढ़े तो उसका टाइम अलग किया जा सकता है। जैसे मेरे पंसारी भाइयों का 2 बजे तक का समय है, तो 2 से 5 किसी और ट्रेड को दे दो, आप कपड़े वाले भाइयों को दे दो, वो अपना नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क ये चीजें बहुत कंपलसरी हो और इनके साथ अपना काम कर सके। हफ्ते में 2 दिन कपड़े वाले भाई को दे दिए, 2 दिन ज्वेलर्स भाई को दे दो, 2 दिन कॉस्मेटिक्स वालों को दे देखिए दो। मुझे सबके पास आना है, अपनी अपनी बात आपको रिपीट भी जी करूंगा, जी थोड़ा बोला जी, सा कम शब्दों में अपनी बात करें। प्रदीप जी अपने मोबाइल को अनम्यूट करें। प्रदीप जी नीचे से अनम्यूट करें, मोबाइल देखिए नीचे एक बटन है उससे आवाज खोलें आप अपने मोबाइल की। मैं हेलो। इतने आता हाँ हाँ जी, आगे आवाज आपके पास। देखिए हाँ जी, जैसा तमाम लोग कह रहे हैं, आपने पहल की थी, सतीश जिला प्रमुख ने पहल की, उसके बाद आपका मेरे पास फोन आया था, हम कर रहे हैं, धीरज जी है गोकर ये भड़ावस गेट वाले, उन्होंने मैसेज दिया था कि हम भी जो है लॉकडाउन कर रहे हैं, तो आपने तो समय से पहले लॉकडाउन कर दिया था, दिवली बाजार ने भी लॉकडाउन कर दिया था, तमाम लोग जैसे जुड़े हुए हैं व्यापारी, तो उन्होंने लॉकडाउन किया था। अब क्या चाहते हैं, तो लॉकडाउन का भी खुलना मेरे को लग नहीं रहा, जब तक क्या नहीं टूटेंगे हम भी नहीं चाहेंगे लॉकडाउन खुले, लेकिन अब हल क्या है इसका, कोई आपको सुझाव नजर आता है क्या होना चाहिए? मौला जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सुझाव है, जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें सरकार प्रशासन का कोई सिस्टम नहीं है। आप देखो जहां भी किराने की दुकान बेशुमार भीड़ है, वैक्सीन लग रही है बेशुमार भीड़ है, कहीं भी चले जाओ बेशुमार भीड़ है, कोई सिस्टम नहीं है किसी प्रकार का। हॉस्पिटल में चले जाओ बेशुमार भीड़ है। अगर लोग अगर क्या है सर, प्रशासन का काम क्या है, पर्ची लेकर निकलती है और चालान काटती है, और कोई उनका कोई मुद्दा नहीं है किसी चीज का, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है कोई सिस्टम नहीं। अब वैक्सीन है, लोग परेशान हो रहे हैं, वे 1 से 18 साल से ऊपर की वैक्सीन लगेगी, स्लॉट खोलते हैं 1 मिनट में बुक हो जाती है, क्या सिस्टम है जब तक वो कुछ नहीं बता, 3-3 घंटे पागल हो रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं खुद 8 दिन से परेशान चल रहा हूँ इसमें, लेकिन इसको सिस्टम ही नहीं है। आप गुड़ बाजार जाकर देखो, इतनी भयंकर भीड़ है वहाँ पे, कोई घेरा नहीं है, कोई थैली चेकिंग नहीं है, कुछ चेकिंग नहीं है, ना प्रशासन है कोई नहीं है वहाँ, बस पता नहीं किस आपने चीज़ की चेकिंग हो रही है। आपने बहुत बड़ी बात कही। पिछले लॉकडाउन में आप ही तमाम व्यापारियों ने बहुत सहयोग किया था, समाज सेवी संस्थाएं आगे आई थी, तमाम जो है प्रवासी मजदूर है उन लोगों का अपने खाना वितरित किया था, तमाम चीजें की थी, और इस बार भी हो रहा है, पंजाबी समाज कर रहा है। मेरे पिछले दिनों अपने डिबेट में दिखाया था किस तरीके से पंजाबी समाज भी लग रहा है, अभी काम भी हमारे साथ, लेकिन इस बार एक नई चीज है, रेवाड़ी पे कई सारे कलंक लगे हैं, आपको ध्यान होगा पिछली बार ऑक्सीजन की, अभी कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग जो है हमारे हम गवा चुके, हमारे पत्रकार साथी को हम गवा चुके, कई सारी प्रॉब्लम है, नहीं लगता रेवाड़ी इस पर कलंकित भी हुआ है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, मान लो हमने जैन स्कूल है, मैं जैन स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, अब हमने प्रशासन को जैन स्कूल दिया, उसके बाद आज तक हमारे पास कोई खबर नहीं है कि जैन स्कूल में क्या थी, जो अपने नाम कमाने के लिए कर रहे हैं सारे कुछ जो कुछ कर रहे हैं, हमारे पास कोई आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं क्या हो रहा है, कितने बैठे कितने मरीज आ गए, नाम को किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, जब इस वक्त एक फोन आया स्कूल चाहिए, बस हमारा काम इतनी श्री हो गया। नहीं, उसको भी हमने दिखाया था कि सिर्फ नाम कमाने के लिए लोग लग रहे हैं, कि नहीं हम नहीं जो सुविधा जिसे वहां है नहीं, डॉक्टर है नहीं, खाली बेड बिठा दिया, चद्दर बिठा दिया और नहीं हो गया, मौला जी लेटे मैं बैठे तो बैठे। हमने तो मैसेज किया समाज से कोई हेल्प चाहिए तो करेंगे, लेकिन हमको तो प्रॉपर्टी लेने के बाद हमारे पास आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं प्रॉपर्टी ले ली पर जनरेटर में तेल चाहिए, ये और कुछ हमारे लिए हमारे को और कुछ काम नहीं है वहाँ, कितने मरीज है क्या है आज तक हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
नहीं, कोई आपको ये पता चला हो भी रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए खाली नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी कल बात हुई थी, बोले थे 13 पेशेंट है वो डाइवर्ट होते रहते हैं, आपस में 15 16 14 डाइवर्ट होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। तो बेड तो वहां 150 लगा दिए, बोले 150 लोग वहां रहेंगे। मेरे पास कोई सूचना नहीं है, ना मेरे पास कोई मैसेज आते हैं वहां से। सरदार जी हमारे साथ हैं, बलबीर सिंह जी। बलबीर सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर। हर बार समाज सेवा करने के लिए लोग तो आगे आते हैं, शासन प्रशासन की कोई बच्चे जवाब दे। आप तो जिस समुदाय से जुड़े हुए हैं उसके बारे में तो कहा जाता है कि लंगर चलता है और तमाम लोग ना कभी रुकता है उनका लंगर, ना थकता है, क्या क्या बातें कही जाती हैं। तमाम आप लोग लगे हुए हैं। कलंकित रेवाड़ी इस बार हुआ है, किस तरीके से लोगों ने इलाज के नाम पर, डॉक्टरों ने, कई डॉक्टर है जिन्होंने लूट मचाई, दो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से रेवाड़ी के लोग गए, कई पत्रकार साथी हमारे गए, कोई वकील साथी हमारे गए, तमाम लोग इस बार, काफी कुछ हम लोगों ने खोया है रेवाड़ी के अंदर, किस तरीके से देखते हैं? मैं पहले सभी को नमस्कार करता हूँ, एचआर मोहनलाल जी को भी नमस्कार मेरा। ऐसा है, सबसे पहले हमारी मार्केट के मेंबर मेरे पास आए, प्रधान जी महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, कृपया करके अपनी मार्केट को हफ्ते के लिए बंद करें। तो इस विषय में हमने अपने जो 27 प्रधान हम इकट्ठे हुए, उसमें हमारी मीटिंग हुई, तो हमने 3 दिन का उसमें निर्णय लिया, इतवार सोम और मंगलवार, तो हमने 3 दिन का निर्णय लेकर बाजार बंद कराए। और हमारे सतीश यादव जी, उसका भी मेरे को कॉल आया, बलबीर जी आप क्या कर रहे हो, सारे प्रधान मीटिंग करके आप बाजार बंद करो, मैंने भी अपना शोरूम बंद कर दिया है। तो हमारी जो प्रधानों से ऐसे विषय में बात हुई तो हम 3 दिन का बंद किया। तो ऐसे संडे को अनिल विज गृह मंत्री, उनका फिर मैसेज आया कि हफ्ते का लॉकडाउन, जो हमने बहुत अच्छा पालन किया उनका और आगे भी करेंगे पालन। मेरे हिसाब से अभी ना 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, जिसमें किराना भी सभी बंद हो, तो गाड़ी लगता है कि लाइन पे आएगी 100%, 100%। बड़ी बात, और आप सुनो, अभी आप कह रहे हो लंगर की बात, लंगर भंडारा जो सिख समाज है हमारा, मैं उनको सलूट करता हूँ। तो अपने रेवाड़ी सिंह सभा गुरुद्वारा रेलवे रोड, पिछले साल तो 24 घंटे लंगर चला था, इस बार हर संडे को लंगर अब भी चालू है। हमारे समाज के लोग तन मन धन से लंगर, लगभग 2-2.5 हजार बंदों का लंगर तैयार करके बांट रहे हैं जी जी और जी। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर लंगर एक होता है रोटी का, ऑक्सीजन का लंगर लगा रखा है, चाय का, दिल्ली के अंदर सिख प्राउड, मैं उनको सलूट करता हूँ, दिल्ली के सिखों को, जो आज मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पंजाबी समाज के हमारे साथ अभिषेक जाम, हाँ पंजाबी समाज हमें जी, अभिषेक जाम जी हमारे साथ। जाम जी आपका हमने बताया किस तरीके से आपने खाने का किया, लेकिन अब एक और नई चीज आप लोगों ने की, उसके लिए एचआर न्यूज भी आपका धन्यवाद करता है कि आप लोगों ने जो पानी का जो सिलसिला शुरू किया है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट है उनको पानी नहीं है पीने का, वो एक नई चीज शुरुआत आप लोगों ने की है। किस तरीके से, कहाँ से आती है ये प्लानिंग आप लोगों के पास, कैसा भी किया जाए? सर ये जब हम खाना बांटने हॉस्पिटल में हम हमारे साथी जाते हैं तो वहां अक्सर देखा जाता है कि लोग भूख से तो रह सकते हैं लेकिन प्यास से नहीं, प्यास से नहीं रह सकते। लोग टूटियों से पानी लेने में डर रहे हैं कि वहां हर लोग, हर तरह के लोग हाथ लगा रहे हैं, कोई कोविड पेशेंट है, कोई किस तरह से है, और लॉकडाउन के चलते उनको पानी नहीं मिल रहा, टूटियों से पानी पीने से लोग डर रहे हैं, और बोतल बंद होने पानी नहीं मिल रहा, कहीं प्याऊ नहीं लगे हुए, कहीं पर वाटर कैंपर की सुविधा नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए हमने प्रधान जी प्रेमनाथ गेरा जी से बात करी और उसके बाद एक जल का लंगर शुरू किया है, जिसमें हमारा एक टेम्पू और हमारे साथी अपने एक्टिवा टू व्हीलर पर पानी की पेटियां लेकर सभी हॉस्पिटल्स के बाहर, लगभग हम 60 से 70 पेटी डेली पानी बांट रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा ना, अब राजनीति पार्टी अभी आ गई है, कोई सेवा रसोई चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, बीजेपी चला रही है, इधर कांग्रेस चला रही है, तमाम लोग चला रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभिषेक गुप्ता जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत। आपका तो जीवली बाजार पूरा खोद दिया, क्या लगता है लॉकडाउन खुलेगा तो आपको मिलेगा नहीं, इसी तरीके से हालात मिलेंगे आपके जीवली बाजार के? ये प्रशासन ने खोद दिया, पाइपलाइन डाल दी, उसको ठीक कब करेंगे? ये सरकार जो है फेल है जी, ये सरकार ही फेल है जी। यहाँ पर हमारे बाजार में तो लोग तो परेशान हो चुके हैं, और इन्होंने तो खोद के यहाँ पे नलों का पानी, जो गंदा पानी था, उन्होंने कहा था कि 4 दिन में हम तैयार कर देंगे, 5 दिन में तैयार कर देंगे, आज 10 दिन हो गए हैं आज तक खोद के, और उन्होंने अब तक कुछ नहीं करा।
मतलब बाजार को बिल्कुल जंगल बना दिया जी यहाँ पर, कोई आदमी चल नहीं सकता और बहुत बुरे। हाँ जी, पाइप उसमें टाले नहीं डाले अभी, पाइप डाल दिए, पाइप डाल दिए, लोगों के घर में पानी भी अभी गया है, लेकिन दो दिन से बड़ा परेशानी है लोगों को, वहां पे चलने के लिए भी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, स्कूटर गाड़ी तो कोई जा ही नहीं सकता ढंग से, कई लोगों का हादसा हो गया, कोई गिर गया, किसी का सिर फूट गया गाड़ी पे से, बड़ी इश्यू हो रहा है जी वहां पर। तो आपको नहीं लगता है लॉकडाउन में ये सब चीजें हो सकती है, बाजार बंद है, ऐसे में तमाम जो कर्मचारी है या जो स्टाफ है या जो ठेकेदार है उसके पास पूरा स्टाफ भी है इस वक्त, लोगों को रोजगार भी मिल जाए, काफी हो जाए। अरे सर बात बिल्कुल ठीक है आपकी, सब कुछ था, सारी इनके पास सुविधाएं हैं, इतना बड़ा एरिया नहीं है रेवाड़ी का कि वो 10 दिन में एक हफ्ते में काम ना होए, 10 दिन में पूरा रेवाड़ी का नक्शा ही बदल सकता था, लेकिन इन्होंने कुछ करा ही नहीं अभी तक रेवाड़ी में। पिछले लॉकडाउन में बिजली विभाग ने किया था, ऑडिट करके हमने बकायदा खबर दिखाई थी, तारे बदली थी, जो चर्चा तारे थी, तो तमाम महकमे आप मानते तमाम महकमे कर सकते अपने अपने स्तर पे काम, जिस तरीके से आज हॉस्पिटल की तस्वीरें आई है, पानी भरा पड़ा है, सुबह से राम जी मेहरबान है, पानी बरस रहा है, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, तो नहीं लगता इस टर्म स्टार्ट करने वाली स्थिति बार बार काम हो ही नहीं रहा है जी, काम नहीं हो रहा है कुछ भी, और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी ये कोरोना का ये चला जाए, क्लियर हो जाए, कि भाई लोगों को परेशानी हो रही है, इतने लोग हमारे बुजुर्ग भी गए हैं, जवान भी मौतें हुई हैं, आज भी नई खबरें आई हैं हमारे कि भाई कोई ना कोई बड़ी परेशानी है, और हॉस्पिटल से भी बड़ा एक कई हॉस्पिटल तो नाम खराब भी हुआ है रेवाड़ी का, और बहुत डॉक्टर्स हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी रात दिन सेवा भी कर रहे हैं, और उनका कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है, और जो दो तीन डॉक्टर्स हैं जो रेवाड़ी के, उन्होंने खराब भी कराया माहौल, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं वो भी लोगों की सेवा में आए और अच्छा अपना काम करें, जो इस कोविड का जो परेशानी है लोगों की वो थोड़ी सी जल्दी मुक्त हो। नीरज जी, नीरज जी सुन पा रहे हैं जी? सुन रहा हूँ, बोलिए। आपको लगता है कि कोरोना काल चल रहा है, पूरा शहर बंद है, शहर में व्यवस्था हो सकती है, शासन प्रशासन चाहे कई सारे महकमे हैं, प्रशासन के पास बहुत बड़ा जखीरा होता है, बहुत बड़ा स्टाफ होता है, जीवनी मंजार को खोद के रख दिया, 10 दिन हो गया कोई कार्रवाई नहीं, ठेकेदार का आता पता नहीं है किस तरीके से हालात होते हैं, पूरे बाजार में आप देखिए दादों की सफाई करती तो पड़ती है, सुनने वाला नहीं क्या? देखिएगा मोहनलाल जी, मैं कहूंगा जो जीवली बिहार का मुद्दा आपने उठाया बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि मैं रोज उस रास्ते से गुजरता हूं, और जैसे मेरे भाई अभिषेक ने कहा, मैंने खुद देखा कि काफी बुजुर्ग लोगों को और काफी मेरे ऐसे भाइयों को जो बेचारे वहां गिर जाते हैं, और आज वहां सबसे पहले प्रमुख सड़क है हमारी, तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रशासन की लाइन डल चुकी है उसको पाट के और फटाफट वहां रोड का इंतजाम होना चाहिए, ये इनका फर्ज है। और मैं 5 मिनट आपके लूंगा, मैं बता दूं कि हम सभी का जन्म रेवाड़ी की इस धरती पे हुआ, और मन में सुन के बड़ा दुख भी हुआ कि इस कोरोना काल में रेवाड़ी कलंकित हुआ, और हमारे बुजुर्गों ने भी यही धरती पे सांस ली। तो मैं एक बात अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहूंगा कि मुश्किलें आती हैं जिंदगी में, और बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, जैसे गुरु महाराज खालसा जी ने पूरी सतत संघर्ष किया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज मैं शब्द सुन रहा था, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, नाम जप की औसत देवे काटे जम का फंदा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे हुक्मरान, हमारे अफसर, हमारे नेता अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे हमारे पंजाबी भाइयों ने शुरुआत की कोविड पेशेंट के यहाँ वो लंगर पहुंचाने की, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से भाई अभिषेक का। भाई अभिषेक ने बहुत से व्यापारी भाइयों को प्रेरित किया कि अपने स्तर पे भी पानी की व्यवस्था, जैसे भोजन की व्यवस्था तो हो जाती है, पानी की व्यवस्था जल्दी सी, नलों का पानी भी नहीं पी रहा तो पानी की बोतल हम दें। तो हम सब रेवाड़ी के व्यापारी भाइयों को, हमारा संगठन लगभग संख्या हमारी 30 से कहीं पहुंच जाती है, हम सबको मिलाएं, तो हमें भी शहर की सेवा में आगे आना चाहिए, और जो हमारे पास जितने भी साधन है जैसे भी है, देखिए एक छोटी सी शेयर वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे प्रशासन को ये चाहिए ना कि अब तो लॉकडाउन लगा है, लोग अपने घरों में हैं, जो अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित कर दे, डिवाइडर टेरिटरी कर दे। हाँ, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वो ठीक हो जाए, वो तो करना चाहिए ना प्रशासन को हमारे। पर मोहनलाल जी, प्रशासन को तो अरे हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने इस पे बात की क्या?
ये होना चाहिए। बिल्कुल इस पे किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, पर मेरा ऐसा मानना है प्रमुखता से मुद्दा उठाना चाहिए। मोहनलाल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मोहनलाल जी, आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी कुछ कहना चाहिए। मोहनलाल जी, अभी आपने रखा कि भाई प्रतिनिधि को या प्रशासन को कुछ करना चाहिए, तो मेरा कहने का ये है, जो कोई भी जैसे कोई समस्या है तो प्रशासन कभी भी व्यापारी को नहीं बुलाती, केवल 2-4-5 समाज सेवी उनको बुलाकर तीसरी कर लेती है। जबकि जो समस्या व्यापारियों की है, जब तक व्यापारी नहीं बताएगी उनको पता कैसे लगेगा। अब मान लो गुड़ बाजार में स्ट्रीट लाइट की समस्या है, मैंने ये जो पिछला ये तो उसको बताया था, हाथ तो कोई नहीं हुआ। पुणे में यादव पार्सल उसको बताया, चेन्नई में कोई समस्या हल नहीं हुई अब तक। सड़क की तो सड़कों की है, पैच लगाने की है, जब तक उनको पता ही नहीं है किसको। जब मान लो डीसी या प्रशासन, हम लोग नहीं, हम वही तो सवाल उठा रहे हैं ना। अभी हाल ही में चुनाव होके गए हैं, तमाम जो पार्षद आपके पास आए चुनाव लड़ने वाले, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कोई आया क्या आपके पास मदद के लिए? लॉकडाउन में शहर कैसे उद्धार हो सकता है? निकल के आया क्या जो बड़े बड़े आपको सब्जी बाग दिखा रहे थे आप लोगों को? फेसबुक के अलावा कहीं नहीं आए वो, फेसबुक के अलावा। तो देखिये, फेसबुक या नेता बन के रह गए हैं अभिषेक जी, क्या कहेंगे? फेसबुक या नेता बन के रह गए हमारे सारे यहाँ सब। फेसबुक पे अपनी फेसबुक पे वाहवाही करो, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करना। सर या तो फिर नहीं, किसी ने जाकर नहीं देखा जीवली बाजार की क्या हालत, क्या स्थिति है, जाकर के देखे कि वहाँ मार्केट जब खुलेगा तो व्यापारी कैसे दुकान खोलेगा? सर या तो सर जी, वोकल गेट पूनम जी से हमने संपर्क किया था कि वहां पर जो ढक्कन है लोहे के वो बिल्कुल ही दुरुस्त हो गए थे, तो उन्होंने हमारी बात मानी, ठीक हुआ। मगर वो ढक्कन जो है बिल्कुल गंदे, उस मुद्दे पे भी मैं आऊंगा, वो मैंने उठाया बिल्कुल। मोहनलाल जी बिल्कुल, एक सेकंड, बिल्कुल ही खराब। जो आप फिर हालात दोबारा देखो, हरी लेमन वाला के बाहर गोकर फिर वो टूट गया। वो आपने खबर देखी नहीं, देखी है क्या? अभी उसने दिखाई थी ढक्कन को लेकर के। हां जी बिल्कुल, आपकी कृपा से ठीक हुआ है। कल भी हमने डिबेट में दिखाया था किस तरीके से, यानी कि हम सिर्फ कोविड का सारा लेकर के सिर्फ कोविड कोविड चिल्लाते रहे, लोग घरों में कैद रहे, शहर में व्यवस्था ना बने क्या? महाराणा प्रताप चौक देखिए, मॉडल टाउन देखिए, किस तरीके से सड़कें बदल है, और तो जिला मुख्यालय की सड़कें आप देख लीजिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे, बहाना लिया जाता है बारिश हो रही है। बारिश तो आज हुई है ना, उससे पहले और भी प्रशासन चाहता तो पूरे लॉकडाउन में बहुत बढ़िया रेवाड़ी को चमन बना सकता था, प्रशासन चाहे तो इसमें लॉकडाउन में। चेयरपर्सन ने जो दावे किए थे, कोई एक दावे पे खरी उतरी क्या आपकी चेयरपर्सन? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बलबीर सिंह जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, तो चेयरपर्सन ने तो जो मैंने दो मुद्दे थे उन्होंने वो लगवाए हैं, वो भी बेकार लगाए हैं। जो सीवर के ऊपर जो ढक्कन लोहे के, वो आज भी खराब पड़े हैं बिल्कुल, फिर दोबारा टूट गए हैं। आपको मालूम है 25 लाख रुपए का ठेका छूटा था? नहीं, ये इतनी नॉलेज नहीं है। आज जाकर के देखिए उन ढक्कन को, कोई गिरे ना, उसके लिए लाल बैरिकेड लगाए हुए हैं, अभी तक जाम से हंस रहे हैं। अभिषेक जी, जी सर, आप हंस रहे हो? आपको खबर दिखाई थी अभी हमने कुछ दिन पहले लॉकडाउन से पहले? बिल्कुल सर, होना चाहिए था। नहीं कोई करेगा मौला जी, जो एक मिनट, जो नेता है वो सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं देखने कैसी समस्या है, अपने इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, बस इतना काम है। बाकी जनता की लग रही है या नहीं लग रही? मोहनलाल जी आवाज में डिस्टर्बेशन हो रहा है। जी जी आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी सुन रहे हैं सुरेश जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे हमारे जनप्रतिनिधि को चाहिए? पिछली बार भी आप के बाजार की हमने एक मुद्दा उठाया था कि चंबर के ढक्कन टूटे हुए थे, आपने कितना बड़ा बयान दिया था, वो भी आपने अपने जेब के पैसों से लगाया। मोहनलाल जी आपकी जो आवाज है बिल्कुल ही कट-कट बिल्कुल आ रही है, समझ में नहीं आ पा रहा आपका सवाल, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ऐसे में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जनप्रतिनिधियों के जवाब से जिम्मेदारी है। शायद और पहले जो बैठे हैं उनकी भी आवाज समझ में नहीं आ रही होगी, आ रही है क्या आप लोगों को भी? हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। आपके नेट में प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। अभिषेक जी के पास आता हूँ, गुप्ता जी के पास। अभिषेक जी, हाँ जी सर, ऐसा है रेवाड़ी जो जीवली बाजार है बहुत मेन बाजार है, यहाँ पे बहुत समस्याएं थी लॉकडाउन के अंदर, सारा बिल्कुल नया जीवली बाजार बन सकता था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और हमारा जो बाजार है, अब ये गर्मी के टाइम में लोग सब परेशान है, इतना माल लोगों ने भर रखा है जीवली बाजार में गर्मियों के लिए, एक हफ्ते दिन हो गया, 15 दिन हो गए लॉकडाउन में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को पंखे चाहिए, कूलर चाहिए गर्मी के टाइम में। अब तो दो दिन से मौसम चेंज हो गया, लेकिन लोगों के फोन भी आ रहे हैं, गुप्ता जी हमें पंखे चाहिए गर्मी में, हमें कूलर चाहिए, लेकिन हम वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर 2 घंटे का भी हमें टाइम मिल जाता
कि भाई जब ये चार चार घंटे छह छह घंटे खुलती है मार्केट, तो हमें भी बाजार खुल जाए 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो हमारा लोग जो बैठे हैं बाजार में और जो लेबर है हमारी, उनको जो है वो भी काम में आ जाती है 2 घंटे 3 घंटे के लिए, हमारा काम हो जाता। लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। ठीक है कि व्यवस्था बननी चाहिए थी व्यापारियों को बुला करके। प्रदीप जी को लेके आइए एक बार स्क्रीन पे। प्रदीप जी, आपको पिछले लॉकडाउन में जिस तरीके से व्यापारियों से बातचीत की गई, इस बार आपको बिल्कुल कर दिया गया तमाम ट्रेडिंग को, कल भी ये शिकायत उठी थी कि शासन प्रशासन को चाहिए था सबको लेकर के आते और बातचीत करते भाई ये सिस्टम बनता। कोई अभी तक मैंने पहले बताया कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई मीटिंग है, पता नहीं किसकी मीटिंग होती है, 2-4 समाज से भी जाते हैं, बड़ी फात रख जाते हैं। अब किसी भी व्यापारी भाई, मेरे ख्याल से हम 31 या 32 ट्रेड एसोसिएशन में है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं अभी तक क्या होना, क्या करना, क्या बाजार का टाइम है, इन्फॉर्मेशन अगर न्यूज चैनल से आपके चैनल से आ जाती तो आ जाती, वरना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन चलान तो बाजार में कट रहे हैं, वो उनके पास कोई सर वही है चलान कट रहे हैं। लेकिन आप जो पिछले लॉकडाउन था, लोग बाजार खुला, बाजार खुल, जितने व्यापारी भाई सबने हेल्प करी, उसके बाद क्या है, दुकान से घर जाते चालान के लिए पर्ची कटने चालू हो जाती, उसी व्यापारी भाई को चालान, जिसने सेवा करी उसी का चालान कट रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है नीरज जी। हाँ जी, अगर इसी तरीके से रहेगा आखिर कौन मदद करेगा, आप ही बताओ ना। आप ये देखिए, हाँ जी, आप ये देखिए, आज के टाइम में जब हम ये कहने लग रहे हैं कि भाई अब तो परमात्मा ही हमारी मदद करे, तो मेरा ऐसा मानना है हमारे स्थानीय नेताओं को, हमारे अफसरों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जब भी अगर शहर के बारे में कोई प्लानिंग, जैसा भी मेरे भाई अभिषेक कह रहे थे कि भाई 2 घंटे हमें भी मिले, गर्मी का मौसम है, सबसे पहले तो जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिनिधि दिए इनकी एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मीटिंग ले, उसके जो जिम्मेवार अफसरान है वो जिम्मेवार अफसरान जो है उस मीटिंग में मौजूद हो, हमारी सारी बातें नोटिस की जाए। और यदि मान लीजिए ये स्थिति लंबी चलती है तो उस स्थिति में जैसे भाई सुरेश ने कहा सभी को मौका मिलना चाहिए, सरदार जी ने बहुत अच्छी बात कही भाई सबके घर में राशन का सामान और सारी बात है, और शहर में 5 दुकानों को छोड़ के उनको नंबर भाई 3 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए। और इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब तक हम सारे भाई एक साथ नहीं बैठेंगे और अफसर हमारे साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि मेरा ऐसा मानना है अगर हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारे मंत्री साहब हैं, हमारे नेताजी, उनको ही चाहिए कि आदेश देवें अपने अफसरों को कि जो हमारे जनप्रतिनिधियों की, व्यापारी भाइयों की, व्यापारी नेताओं की, व्यापारी जो संगठन है उनके प्रमुखों की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि कोविड का समय हर आदमी आवाज तो नहीं उठा सकता, बाकी हमारी एक एक की आवाज जो है कम से कम 500 हमारे भाइयों की आवाज है। इसमें भी तो एक राय तो बात की है, क्या सुरेश जी मेरे साथ जुड़ गए, सुरेश जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बीच में बात कनेक्ट नहीं हो पाया था। मेरा सवाल ये है कि आपके जनप्रतिनिधियों को चाहिए था ना कि भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जो छोटी मोटी समस्याएं थी पिछली बार जैसे आपकी वजह से हमने उठा था ढक्कन टूट गया, आपने अपने पैसे से लगवाया, उसका पेमेंट अगर हुआ तो आपका तमाम जो विभाग है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते, कहीं सीवर का ढक्कन टूटा पड़ा है, कहीं लाइट चल नहीं है, कहीं घंटे हो रहे हैं, तो तमाम चीजें पूरी हो सकती है ना लॉकडाउन में, व्यापारी घर बैठा है। मोहनलाल जी, इस बात पर मैं आऊंगा, आपका इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले, क्योंकि व्यापार मंडल की मीटिंग है तो मैं व्यापारी की बात पहले करके मैं उसी बात पे आपके सवाल के जवाब पे भी आऊंगा। इस समय व्यापार मंडल का जो हमारे जो दुकानदार हैं, रेवाड़ी शहर के जो व्यापारी हैं, सबको पता है, सबकी टोपी घूम रही है, कोई कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, किसी ने ब्याज देना है, किसी ने कुछ देना है, किसी ने EMI देनी है, किसी ने कहीं का कर्जा देना है, किसी का ब्याज देना, वो कोई भी नहीं रुकेगा। मेरी सरकार से सिर्फ 3 मांग है व्यापारी को, अगर आप कुछ देना चाहते हो, आज तक सरकार को ही व्यापारियों ने दिया है, लेकिन आज मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप 3 मांग हमारी पूरी कर दो। सबसे पहले तो जो आपने मंझले दुकानदारों को जो भी लोन दिया हुआ है या ऋण दिया हुआ है, चाहे वो हाउस लोन हो चाहे वो बिजनेस लोन हो, उनको 15% की सब्सिडी दी जाए। दूसरा, जो उनकी EMI है उसका ब्याज माफ किया जाए। तीसरा, बिजली का बिल पूर्ण रूप से माफ किया जाए, क्योंकि व्यापारी घर बैठ के कहां से उन पैसों को भरेगा। आप ये सरकार से पूछो ना, हम आप सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं कि ये कहां से भरेंगे। हमारा सारा जो खर्चा है वो राशन में, पानी में, खाली बैठे घर बच्चों को सब्जी में, दूध में, इनमें चला जाता है। बाकी लोगों को कहीं ना कहीं अगर कोई दान दक्षिणा मांगने याद आता है उसको भी हम सेवा कर रहे हैं। हमारे व्यापारी भाई, हमारे जो वर्कर हैं वो भी हमसे एडवांस मांग रहे हैं, उनको भी हम दे रहे हैं। अब मैं आपके, अब ये सरकार हमारा ये काम तो करते, कम से कम 15% की सब्सिडी इन लोन हमारा देते, हम खुश हो जाएंगे कि हमारा सरकार ने कुछ करा है।
अब मैं आऊंगा आपके जनप्रतिनिधि वाली बात पर। जनप्रतिनिधि जब वोट, जब राजनीति का, जब वोटिंग का समय आता है, चुनाव का समय आता है, ये एक एक घर को नाम देते हैं, एक एक घर को कि हाय वोट को झोली पे सारते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सारी ये सारी सच बोल देते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन आज एक भी जनप्रतिनिधि से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, किसी घर के ऊपर भी ये, किसी मोहल्ले में किसी व्यापारी के पास अगर कोई जनप्रतिनिधि गया हो तो मैं आपके चैनल पे कभी, मैं आपके चैनल पे मैं कह दूंगा मैं सबसे बड़ा झूठा आदमी हूं। एक जनप्रतिनिधि भी हमारे सांसद महोदय कहां है? आज सांसद महोदय मेरे को बताइए आप कहां है? हमारे यहां के विधायक जी कहां है? हमारे पार्षद सारे घरों में बैठे हैं ये और तमाशा देख रहे हैं और ये खेल रहे हैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप। जवाब चाहती है रेवाड़ी व्यापारी आज इनसे, पूरा शहर या पूरा गांव के ग्रामीण हमारे भाई इनसे जवाब चाहते हैं कि क्यों अपने घरों में रुके बैठे हैं। वही कह रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं ना। एक बार अभिषेक झाम जी को लेके आए ना स्क्रीन पे, अभिषेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जिस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्र में चला गया, शहर में आप मदद कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कौन करेगा? ग्रामीण क्षेत्र में और भी ज्यादा डरावनी सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बाकी प्रशासन की तरफ से या सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से या कोई मंत्रियों की तरफ से लोगों को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। तो आप अब क्यों नहीं उठाते? जनप्रतिनिधि कहाँ है वो सारे? आपसे मीटिंग लेनी चाहिए थी ना भाई, चुनाव से सर, आप सब मीटिंग लेते हो व्यापारियों की। सारे प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, सारे बाजारों के प्रधान बैठे हैं, ये सब अपने आप में एक संस्था है। मैं तो कहूंगा कि सब कल एकजुट होकर सबसे पहले इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं कि ये कहाँ है, पुलिस इन्हें ढूंढे कि ये कहाँ गए सारे मंत्री नेता, जो जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, जैसा सुरेश भाई कह रहे हैं कि सबने बड़े बड़े वादे किए, एक एक घर नाप दिया, आज उन लोगों को बाहर आना चाहिए और अपने नेताओं को ढूंढना चाहिए, शायद वो गुम हो गए और उनको ढूंढ के लाना चाहिए। इसमें दोनों है ना, ये नहीं कि जो जीत गए वही जनप्रतिनिधि है, जो सेकंड नंबर पे रहा हार गया उसको भी तो आना चाहिए ना, वो भी तो बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए सर, दोनों को आना चाहिए। नीरज जी बोलना चाह रहे हैं, नीरज जी लेकिन जवाब दे, जीतने वाले की ज्यादा बनती है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि मेरे भाई ने भी अभी आपने कहा, अभी बहुत अच्छा सवाल उठाया इसमें जो सेकंड रहे, मैं बता दूं आपको, वैसे मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे भाई सतीश यादव जी जब से कोरोना फैला है, जब से ये लॉकडाउन लगा है, देखो चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा हो, चाहे 5 कंसल्टेटर उन्होंने दिए हैं और वैसे भी कोई मुद्दा हो तो वो सेवा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। देखिएगा हर वर्ग में, हर तबके में सब तरह के लोग हैं, जिसकी जितनी हैसियत है उसके तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे भाजपा ने भी शुरू करी भाजपा रसोई, कांग्रेस के भाइयों ने भी शुरू करी, मेरा ऐसा मानना है। वैसे ये वक्त ऐसा है भाईचारे का, इंसानियत का, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे पार्षद सांसद हमारे विधायक बोलते हैं, आज सबको ये देखना चाहिए कि साथ खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है। इस समय में भी जब जिंदगी और मौत का प्रश्न हम मुहाने पे खड़े हैं, अगर जो हमारी जायज मांगे हमारी सुनी जाए, हमारी रेवाड़ी की जनता की तकलीफ दूर की जाए, और सबसे पहली बात क्या है कि जो मेडिकल हमारा क्षेत्र है वहां किसी भी प्रकार से कोई दवाई है कोई सेवा है उससे हम महरूम ना रह जाए। मैं साधुवाद दूंगा, आप ये देखिएगा हमारे जो हमारे सामाजिक संस्थाएं, अभी प्रदीप भाई ने कहा कि जैन समाज से का स्कूल एक मिनट में स्कूल हायर हो गया, पंजाबी सेवा है वो भी अपनी सेवा दे रही है, एक शाम मंडल है मैंने देखा, उन लोगों ने ऑक्सीजन भी और बहुत सी चीजें भी। तो मेरा ऐसा मानना है, सबसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि वो इस वक्त जो है अपनी आत्मा से सवाल करे और ये देखे जो सच्ची सेवा है जिसके लिए विधाता ने उन्होंने बनाया है, उनको शक्ति दी है, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करे और इंसानियत की भलाई करे। हाँ जी, आप अभी अंगली उठा रहे थे। मैं मोहनलाल जी ये कह रहा था, कम से कम मैं हम सरकार से मांग कर रहे हैं व्यापारी की 15% लोन में सब्सिडी देते हैं, अगर वो ये नहीं करते कम से कम वो तो हो गया। और ये जो किराए की दुकान है उनका किराया माफ करेंगे? वो तो हो गया ना, लेकिन उनका क्या करेंगे जो फेसबुक के नेता बने हुए हैं, फेसबुक पे तमाम क्या उनसे राम रमी करा लो किसी भी उसके बारे में, लेकिन जमीनी स्तर पे आ रहे हैं क्या आपके पास कोई? आपके कोई भी सबसे, मैं अभिषेक जी की बात से सहमत हूँ कि जो कह रहे हैं सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि की जीतने वाले की जो इस समय है मौजूद, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि उनको हर तरह की ग्रांट मिलती है। नहीं पार्षदों की क्यों नहीं बनती? पार्षद भी तो 31 वार्ड के पार्षद कहाँ गए वो सारे आज?
मोहनलाल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी हर एक उस आदमी की बनती है जो या फेसबुक पे नेता बनना घूम रहे या फिर शहर के सारे खंभों पे टंगा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब ये व्यापार मंडल ने पहल करी कि भाई हम लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप ही देख रहे हो, आपका चैनल रोज दिखा रहा है कितनी डेथ रेट कितना ज्यादा बढ़ गया था। व्यापार मंडल ने पहल करी, क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने इकट्ठा होकर व्यापारियों को बुलाकर ये बताया कि हमारे साथ ऐसा, आप अपना हमारे को सहयोग दो? लेकिन व्यापारियों ने पहल करी, शर्म आनी चाहिए नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम कि भाई शासन प्रशासन देखिए, सरकार में घोषणाएं हो रही है धरातल पे। आप मेरे को बता दो, ये इस सरकार का छठा पता नहीं सातवां साल है, आप मेरे को बता दो धरातल पे इन्होंने कौन सा काम का इन्होंने पूरा किया है? आप रेवाड़ी शहर में आप तो हमारे से ज्यादा शहर में घूमते हैं, आप अपना कैमरा लेके जगह जगह आप एक एक जगह की खाक छान रहे हैं। अगर आप, हम तो आपको धन्यवाद देंगे, हमारे को नेता आप ही हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, जो कम से कम हमारे को इनके ये पीड़ा तो हमें दिखा रहे हो कि शहर में यहाँ पर ये हो रहा है। नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगता शहर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई भी काम आज तक आप बता दो कौन सा काम कंप्लीट हुआ है। आप महाराणा प्रताप से आप बता रहे थे, महाराणा प्रताप से लेके ये जो बिल्लू होटल के सामने वाला जो रोड है, आप वहां से आप मेरे को बैठ के निकल के दिखा दो मोटरसाइकिल के बैग किसी व्हीकल पे, आप बैठोगे स्कॉर्पियो ऐसा लगेगा जैसे ऊंट के ऊपर बैठ के जा रहे हो। वही मैंने कहा ना, वही नहीं है, सीधा आप अम्बेडकर चौक चले जाइए, लियो चौक चले जाइए, धारूडा चुंगी चले जाइए, उससे पहले चले जाइए, तमाम सर्कुलर रोड बदहाल है, बड़ा टाउन चले जाइए, सेक्टर चले जाइए, कोई ऐसी सड़क है आपको लगता है रेवाड़ी शहर की सड़कें हैं? सरदार जी, बलबीर सिंह जी आपको लगता है रेवाड़ी सर जी? पिछले लॉकडाउन में हमने अपनी एसोसिएशन की जेब से, हमारी मार्केट जो है दिल्ली की कनॉट प्लेस मार्केट बोलते हैं और भीड़ वाली मार्केट है लेडीज मार्केट, तो हमने एसोसिएशन की जेब से पूरे स्पीड ब्रेकर लगाए पूरी मार्केट में हमने, कि किसी को कोई दिक्कत ना, हमने खुद काम किया मार्केट में। और लाइटें आज मेरे ख्याल पूरी रेवाड़ी में नहीं होगी जितनी पंजाबी मार्केट में, पूरी हमने दिवाली कर रखी है वहां पर। लेकिन सब कुछ आप ही करेंगे ना, सरकार ने क्या करेगी? सरकार ने हमारी कुछ मदद नहीं करी किसी तरीके की। पहली मदद पूनम जी ने हमारी करी, जो गोकल गेट के आगे एक ढक्कन लगा दिया, वो भी टूट गया। नहीं, और बैरिकेड लगे ना आपके, डिवाइडर लग तो गए आपके मार्केटों के आगे, जाई जगह वो डिवाइडर जो लगाए हैं, नहीं डिवाइडर जो लगे हैं बाजार में, लोकल बाजार के अंदर डिवाइडर लगे हैं 15-20, क्या वो 15-20 डिवाइडर से शायद सुलट गया क्या, वन वे हो गया क्या? नहीं, वो तो जीरो है जी, बिल्कुल पुराना लेकर और डिवाइडर लगे, इसके अंदर लाइटें लगनी चाहिए थी बीच में खंबे, तो इधर भी लाइट और इधर भी लाइट, जो प्रदीप जी रेवाड़ी को चमन बनाए। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मुस्कुराए गई। अरे एक बार मेरे को ये बना के दिखाओ, मैं रेवाड़ी को चमका दू, रेवाड़ी है क्या? मैं तो ये कह रहा था किसी बार जब लॉकडाउन, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे दावे हमारे नेता करते हैं, मतलब मुझे विधायक बनाइए मैं कर दूंगा, मुझे चेयरमैन बनाइए मैं कर दूंगा, हाँ। करता कौन है? पर तू पूनम जी देगा तो मैं बना दूंगा, करूंगी। हाँ, लेकिन जिसको मौका मिला, जिसको मौका मिल गया वो उसके बाद भूल जाता है, 5 साल तक हटो वो भूल जाता है, उसे क्या वादा करे, वो तो 4.5 साल बाद याद आएंगे सब। 4.5 साल नहीं, वो तो हो गया। अभिषेक जी, गुप्ता जी, आपको लगता है जब बाजार खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो आप अपनी दुकान खोलने लायक रहेंगे, मार्केट की यही स्थिति रहेगी? सर बात यह है, हमारा बाजार जब खुलेगा, पता नहीं भगवान की दया से अगले हफ्ते खुले या उससे 10 दिन बाद खुले, लेकिन अगर बाजार में जो हालत है आज, अगर वही स्थिति होती है तो बाजार में बैठने लायक नहीं हो सकता, क्योंकि इतने मैं कल जाके तस्वीर करके आया हूँ आपके बाजार की, आपने देखा? हाँ, मैं बिल्कुल आए होंगे आप, क्योंकि आपने देखा है, आपने बाजार की हालत, कोई चल ही नहीं सकता वहां पे, इतना बुरा हाल है, इतने अब आज बारिश हो गई है तो कीचड़ हो गई होगी और वहां पे पत्थर इतने पड़े हैं कि कोई स्कूटर पे जैसे ही कोई चलता होगा वो गिर जाता है, और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कोई सिस्टम नहीं है कि साइड में कर दे उनको, दबा दे, कुछ नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई जिम्मेवारी किसी की नहीं है। देखिए समस्याएं तो बहुत सारी है, तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, क्योंकि समस्याएं तो है ना, पूरे शहर की समस्या है, लेकिन सवाल ही उठता है, मैं आपको लगता है शहर में जो स्थिति है, कहीं आप कह सकते हैं मैं रेवाड़ी में रह रहा हूँ,
नहीं नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहूंगा, पिछले लॉकडाउन जब हुआ था तो सब व्यापारियों से कही थी कि कोविड टेस्ट अपने बाजार में करवाओ, तो मैं तो आपके चैनल से ये प्रशासन से अपील करूंगा ऐसी सब बाजार में करके वैक्सीन लगवाएं जिससे सबका भला हो और वहां पे जो वहां सिविल अस्पताल में जाए दूसरी बीमारी लेकर ना आए। हाँ जी दत्ता साहब में नीरज जी। भाई साहब मैं एक शेयर के माध्यम से अपने सभी भाइयों से हुक्मरानों से पॉलिटिशियन से अपील करूंगा, ये जो शैतीर है इसे पलकों पे उठा लो यारों, और कौन कहता है आसमान में हो नहीं सकता, छेद एक पत्थर तो तबीयत से उछाला हो यारों, हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, हम सब मौत के दहाने पे खड़े हैं, नहीं तो इंसानियत शर्मसार होगी, और हमारा रेवाड़ी शहर हर चीज में नंबर वन रहा है, हर चीज में इसे बढ़िया बनाना है, और प्रशासन फटाफट हमारी मीटिंग ले और हमारी समस्याओं को नोटिस करे। बहुत बढ़िया सुरेश जी, आपको लगता है आप गर्व से कह सकते हैं मैं रेवाड़ी से हूं कि रेवाड़ी की बढ़ के मेरा दुर्भाग्य है, वैसे तो हमारी ये हमारी जन्मभूमि है, हमारा सौभाग्य है, लेकिन इन नेताओं के कारण हमारा दुर्भाग्य है कि हम रेवाड़ी में रहते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपके सिर्फ 5 सेकंड लूंगा मैं, कि जैसे ये जो नेता जो ये जो जीत के गए हैं, जो भी सरकार है, ये जैसे घर घर वोट मांगने जाते हैं, अरे वैसे घर घर वैक्सीन भी लगाया हो यार, आपका भला होगा। आप व्यापारियों के पास एक एक दुकान पे जाके वैक्सीन लगाया हो, वो तो वो तो देखे, आपने वो हमारा वो, सब कुछ कर दिया। नहीं वो तो देखे जब रैली करते तो एक इनकी 4 घंटे की कॉल पे रैली हो जाती है, वो तो एक अलग मैटर है कि भाई इनकी रैली हो जाती है। अभिषेक जी मेरे साथ है, गुप्ता जी आप बहुत इतने नहीं रख सकते, 10 सेकंड में अपनी बात करें। हाँ जी हाँ जी सर, ऐसा है अपने सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बंधुओं को जितने भी अपने जो बुजुर्ग है सबको वैक्सीन लगवाओ टाइम पे और उनकी देखभाल करो। इस वक्त ये जो सिर्फ टाइम है बहुत सेफ्टी का है, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर यूज करना है और अपने भाइयों का ध्यान रखना है। अभिषेक जाम जी सुन पा रहे? नहीं छोड़ गए पैनल को लगता है। बलबीर सिंह जी सुन पा रहे मुझे? हाँ जी हाँ जी, क्या कहेंगे 10 सेकंड में अपनी बात करें, गर्व महसूस होता है रेवाड़ी में है। इस समय मुद्दा हमारा जो है कोरोना और महामारी का, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि अपने घरों में बैठें और मास्क लगाएं, यही हमारा एक बचाव है। मैंने पहले भी कहा है 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन हो जिसमें सभी व्यापार बंद हो, घर पे बैठे, और इससे काफी 3 दिन का क्यों, मैं कह रहा हूं आप 15 दिन का हफ्ते क्या करें ना, लेकिन शहर को तो सुधार दें। आपके पास प्रशासन के पास बहुत बड़ा हमला होता है, छोटा नहीं है, बोला सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, कहते रहे सरकार बहुत बड़ी चीज है, सरकार जो है सब कुछ कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। तो देखिए तमाम लोग आए, बालाजी एक मिनट, आपका पैनल को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तरफ से हमारी तरफ से जो समस्या प्रशासन तक पहुंचेगी उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आप लोग देखिए, अब आपको बता देते हैं हमने इसलिए प्रोग्राम शुरू किया है, आपके और भी ट्रेड यूनियन के लोग जो आना चाहे हम रोज इसी तरीके से देंगे, लगातार एक हमने मुहिम शुरू करी है कि आम आदमी की आवाज आ उठ सके, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी चोट है ना मध्यम वर्ग पर और व्यापारियों पर पड़ी है, तो इसलिए मध्यम वर्ग व्यापार के और आम आदमी को जुटना चाहे हमसे जुट सकते हैं, हमारे नंबर पे फोन करके अपने बात आपकी आगे मैसेज दीजिए कि किसी को अपनी बात कहनी हो वो हमारे साथ आए जुड़े, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के, तब तक के लिए नमस्कार।